आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का पूरा फोकस पार्टी की मजबूती देने में। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस इलेक्शन कमेटी यानी CEC का गठन किया। उम्मीदवार का टिकट तय करने का फैसला खड़गे ने इस कमेटी को सौंपा है। इस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी का नाम तो है ही, लेकिन इस लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम भी शामिल है और वो नाम है ओमकार सिंह मरकाम का, जिन्होंने दिग्विजय सिंह कमलनाथ के रहते मध्य प्रदेश के नौजवान आदिवासी नेता को CEC में जगह मिली है। मरकाम का CEC में आने का मतलब उनका कद राष्ट्रीय नेता वाला बन गया है। मरकाम डिंडोरी विधानसभा से अपना चुनाव तीसरी बार जीतकर विधायक बने हैं। 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो वो कमलनाथ सरकार में जनजातीय मंत्री रहे। पिछले साल पार्टी ने उन्हें MP में आदिवासी का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। ओमकार सिंह मरकाम का कद पार्टी में तब और बढ़ गया जब पार्टी ने उन्हें MP कैंपेन कमेटी का सदस्य बनाया। बता दें, इन चुनावों में राहुल गांधी का पूरा फोकस आदिवासी पर है, लिहाजा इसलिए भी पार्टी की ओर से ओमकार सिंह मरकाम पर भरोसा जताया गया है। MP में आदिवासियों का वोट बैंक करीब 22% माना जाता है। 230 में से तो 47 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा 32 सीट ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट बैंक की संख्या 25,000 के आसपास मानी जाती है। मतलब साफ है, MP में आदिवासियों का बोलबाला है। 2018 में कांग्रेस की जीत का बड़ा फैक्टर आदिवासी को माना गया था। 47 रिजर्व सीटों में से 36 सीटें कांग्रेस के पाली में आई थी। इसी के बदौलत कांग्रेस MP सरकार बना पाई थी। राहुल गांधी इस बार भी MP में 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये दावा कितना सटीक बैठेगा, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।